हेलो गाइस, वेलकम बैक अगेन टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम यहाँ पर माइनक्राफ्ट खेलने वाले हैं। एक्चुअली माइनक्राफ्ट में एक स्पेशल काम करने वाले हैं। कल यहाँ पर मैंने स्पॉन किया था विदर, जो कि यहाँ पर आपको नेदर पोर्टल में जाके वहाँ पे जो स्केलेटन्स होते हैं ब्लैक वाले, उनको मार के उनका एक हेड कलेक्ट करना पड़ता है, उससे स्पॉन करते हैं। तो यहाँ पर उसको स्पॉन किया, काफ़ी मुश्किल से स्पॉन हुआ। और यहाँ पर उसको मारने के बाद मेरे को मिला नेदर स्टार, जिस नेदर स्टार की मदद से मैंने ऑब्सीडियन और ग्लास की मदद से मैंने बनाया बीकन। तो आज हम उस बीकन को प्लेस करने वाले हैं। किस तरह से उस बीकन को प्लेस किया जाता है पूरा प्रोसेस आपको बताऊंगा। तो यहाँ पर दिखा देता हूँ पहले कहाँ पे इसको प्लेस करने वाले हैं आज। सो यहाँ पे कुछ सेंटर है मेरा, मैंने ढूंढा है, मेरे को यहाँ पे एक सेंटर वाली जगह ढूंढनी है। पहले आपको इतनी चीज़ें चाहिए होंगी, आपको यहाँ पर इतनी चीज़ें ले लेनी है। देख सकते हैं आप, यहाँ पर 17 और 64 आयरन है और कुछ गोल्ड, कुछ डायमंड और 9 मैंने ब्लॉक ऑफ नेदरराइट भी लिए हुए हैं। तो यहाँ पर इस तरह की कुछ चीज़ें आपको ले लेनी है। और यहाँ पर आपको एक सेंटर ढूंढ लेना है जहाँ पर आपको एबिलिटीज़ की ज़रूरत है, तो आप वो सेंटर ढूंढ सकते हैं फिलहाल। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दूं कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन कर लीजिएगा ऑल पे, ताकि आप इस चैनल के अमेजिंग और ऑसम वीडियो इसी तरह से पा सकें। तो चलिए फिलहाल इस वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो यहाँ पर आपको एक सेंटर ढूंढ लेना है, जैसे कि मैंने ढूंढा हुआ है। मैं अलग से एक ब्लॉक वहाँ पर लगा दिया ताकि सेंटर का पता रहे, वो खो ना जाए, इसलिए मैंने यहाँ पर अलग ब्लॉक लगा दिया था। तो ये है मेरा सेंटर, इसके अगल बगल से मेरे को पहले चारों तरफ ब्लॉक लगाना है, इसके अगल बगल चारों तरफ ब्लॉक लगा लेने हैं। इसके बाद यहाँ पर ब्लॉक की एक लेयर हो चुकी है और अपन को करनी है टोटल चार, तो 2 3 4 ओके। इसी तरह से चारों तरफ से करना है, 2 3 और 4 इस साइड से भी, 2 3 और 4 2 3 4 तो इस तरह से करना है। अब इसको पूरा का पूरा फिल करना है। यहाँ पे मैं थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ। तब तक मैं आपको बता दूं कि अगर आप मेरे से बात करना चाहते हो तो आप मेरे को इंस्टाग्राम में डीएम कर सकते हैं। इंस्टाग्राम की लिंक आपको मिल जाएगी नीचे डिस्क्रिप्शन में। और जल्दी यहाँ पर मैं डिस्कॉर्ड सर्वे भी बना दूंगा, तो आप डिस्कॉर्ड भी जल्दी ज्वाइन कर सकते हैं। फिलहाल आप मेरे को इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हैं, लिंक नीचे मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन में। तो यहाँ पे ऑलमोस्ट ही मैंने कंप्लीट कर दिया है, जल्दी जल्दी कर देते हैं यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी। और इस बीच वाले को अभी छोड़ देता हूँ ताकि सेंटर पता लगा रहे, खो ना जाए, इस वजह से इसको छोड़ देते हैं। तो अब ये गोल्ड वाले की बारी आ जाती है, तो आपको एक ब्लॉक छोड़ के यहाँ पर गोल्ड वाले पूरे फिल करने हैं। अभी मैं यहाँ पर से आयरन वाला लगा के बाहर आ जाता हूँ। और इसके बाद आपको लगाने डायमंड वाले। आप यहाँ पर कोई भी ब्लॉक यूज़ कर सकते हैं आयरन के, या तो फिर आप डायमंड, गोल्ड, जो भी आपके पास ज़्यादा हुआ ब्लॉक्स यूज़ कर सकते हैं। मेरे पास यहाँ पर सभी ब्लॉक्स थोड़े थोड़े हैं लगभग, तो यहाँ पर सभी के सभी ब्लॉक्स यूज़ कर रहा हूँ। वैसे इतने भी ज़्यादा नहीं है, बट यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ब्लॉक्स की बर्बादी होती है इससे। लेकिन आप यहाँ पर जितने ज़्यादा महंगे ब्लॉक्स यूज़ करेंगे उतना ज़्यादा प्रॉफिट आपको होने वाला है, जैसे गोल्ड उससे ऊपर, यहाँ पर डायमंड उससे ऊपर, नेदरराइट। तो जितने महंगे आप यूज़ करेंगे उतना ज़्यादा प्रॉफिट आपको ही होगा। तो यहाँ पे मैं नीचे अब लगा देता हूँ एक डायमंड का ब्लॉक, और फिर सबसे ऊपर लगा देते हैं अपन नेदरराइट का ब्लॉक। और अब इसके ऊपर सिंपली रख देना है एक बीकन। तो आप देख सकते हैं वर्क करना चालू हो गया, आप देख सकते हैं कितना ऊपर गया हुआ है, रात थी इसलिए यहाँ पर बहुत ज़्यादा ऊपर दिखाई दे रहा है, कुछ ज़्यादा ही ऊपर दिखाई दे रहा है एक्चुअली। और आप देख सकते हैं लुक्स भी इसकी काफ़ी ज़्यादा अच्छी आ रही है यहाँ पे, और ये रखा हुआ है तो अंधेरे में जलता भी थोड़ा रोशनी करता है लाइट। और आप यहाँ पर कोई भी यहाँ पर एबिलिटी ले सकते हैं इससे, बस आपको आयरन इंगट, गोल्ड इंगट, डायमंड, एमरल्ड या वो चाहिए नेदरराइट इंगट। तो चलिए ले आता हूँ फिलहाल मेरे बैग में, तो आई थिंक कुछ नहीं होगा इनमें से, तो अंदर से ही लाना पड़ेगा। ओके, बैग में कुछ भी नहीं है। सो गेट खोल लिया है और जल्दी से चल देते हैं अंदर, बंद कर देते हैं वरना ज़ॉम्बीस अंदर आ जाए। सो जल्दी से यहाँ पर चल लेते हैं। ओके ओके, चेस्ट रूम में यहाँ पे, अरे हट जा यार गोलेम। ओके, सो यहाँ पे 2 नेदरराइट स्क्रैप ले लेते हैं, मतलब इंगट, और थोड़े से गोल्ड इंगट ले लेते हैं। यहाँ पे आपको बता दूं कि लैपिस का ब्लॉक और रेड स्टोन का जो ब्लॉक होता है ना,
वो किसी भी काम का नहीं होता, यहाँ पे वो नहीं लगाने चाहिए। आप यहाँ पर एमरल्ड का ब्लॉक भी लगा सकते हैं, लेकिन लैपिज और ये आपका ये नहीं चलता है रेड स्टोन। सो इन दोनों को ब्लॉक्स लगाने का कोई फ़ायदा नहीं है, और ना ही यहाँ पर वो लगा सकते हैं, इनके इंगट से आप एबिलिटी ले सकते हैं। सो यहाँ पर जल्दी से लेते हैं, बहुत सारे मॉब्स आ गए, इनको मारते हैं। ओ भाई कितना मार रहे हैं लोग, अबे ले लेने दो, कितना ज़्यादा मार रहे हैं। अबे हद है, लोग जाओ पहले, तुम ही लोग कुट लो आओ। तो चलो जल्दी जल्दी इनको ख़त्म करते हैं, इनकी ऐसी तैसी आ तेरी। एक को निपटाया, वो क्रीपर फटना मत दूर, वे क्रीपर ना फट जाए वहीं पे पास जाके उसके। अब देख सकते हैं क्या जंग हुई है यहाँ पे, खतरनाक सी एकदम जंग हो गई है अचानक से। पता नहीं कैसे इतने सारे ये स्पॉन हो गए और यहाँ पे सभी के सभी मेरे पे अटैक करने लगे बेफालतू में। तो अभी एक एबिलिटी लेके देखते हैं, यहाँ पर स्ट्रेंथ की एबिलिटी ले लेते हैं पहले। तो स्ट्रेंथ की एबिलिटी मिल गई है, आप यहाँ पे देख सकते हैं स्ट्रेंथ, और स्ट्रेंथ की एबिलिटी मिल गई तो ट्राई कैसे करें। ओके इसको मारते हैं साले को, एंडरमैन को, इधर आवे। हाँ अभी आ गए, ये सॉर्ड निकाल लो, कहाँ गई सॉर्ड। हाँ आया नहीं तू आ। ओके तो ये तो दो में ढेर हो गई, वैसे भी ये दो में ढेर हो जाती थी, तो ऐसे भी ये दो पे ही ढेर हो गई। ये आएगा, अबे आजा साले। हाँ अभी आएगा, अभी आवाज़ किसने, आएगा आएगा आएगा। आ आ अभी कहाँ गया, आ साले एक पड़ी है उसको, एक्चुअली एक पड़ी है। अभी देखो आग ही लगाई घूम रहा है, क्योंकि मेरे इसमें फ्लेम की एन्चेंटमेंट लगी हुई है सॉर्ड में, इसलिए आग लगाई घूम रहा है यहाँ से वहाँ। कहाँ गया, हाँ आ जा आ जा तू। आग बुझ जाएगी इसकी, ओके आग बुझ गई, एक और मारते फिर लग जाएगी। ओके मर गया यहाँ पर, दो ही सॉर्ड है मर गया एक्चुअली, वैसे मारने में बस मेरे को दिक्कत हो रही थी, लेकिन एंडरमैन दो सॉर्ड है मर गया, काफ़ी यहाँ पर बड़ी बात होती है। तो स्ट्रेंथ तो यहाँ पर शायद वर्क कर रहा है परफेक्टली, देख सकते हैं आप। कोई और एबिलिटी लेके देखते हैं, जंप बूस्ट लेके देखते हैं, इसमें एक गोल्ड इंगट डाल देता हूँ मैं। ओके तो अभी देखते हैं कितनी ऊँची जंप। ओ भाई भाई भाई, भाई। अंतर आया भाई, काफ़ी सारा अंतर आया, देख सकते हैं अभी लाइफ कम हो गई वहाँ से कूदने पर, इतना ज़्यादा अंतर आया। अभी काफ़ी ऊंची जंप यहाँ पर लगा पा रहे हैं अपन लोग। इसके अलावा और भी लेके देखते हैं थोड़े से, और कौन सा लेते हैं, एक यहाँ रख देते हैं, और स्पीड ले लेते हैं। ओके सो स्पीड मिल जाएगी अपन को, स्पीड सेकंड, सो स्पीड भी ले लिए, और एक और ले ही लेते हैं सीधा यहाँ पे माइनिंग करने वाला ये ले लेते हैं हेस्ट। सो ओके अपन ने काफ़ी सारी एबिलिटीज ले ली हैं, तो अभी टेस्ट करेंगे एक दो। तलवार लेके चला जा रहा हूँ भाई, स्पीड तो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई, देख सकते हैं आप काफ़ी ज़्यादा ही बढ़ गई है। माइनिंग करने के लिए तो यहाँ पे अभी कुछ है नहीं है, तो माइनिंग का तो कुछ है नहीं अभी सीन तो, बट कोई बात नहीं, माइनिंग बाद में कभी करके देखेंगे। यार नीचे यार गुफा आ गई, यहाँ ज़ॉम्बी घुसा हुआ होगा, ये रहा। तो फिलहाल के लिए गाइस इस वीडियो में इतना ही, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन को कीजिए ऑल पे। मैं मिलता हूँ आपको किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।